हेलो स्टूडेंट्स, मॉसबी एंड क्लर्क सीरीज़ क्वेश्चन नंबर 102। वेलकम टू पेंसिल लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ प्री स्कूल चाइल्ड विद ए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़। व्हाट इज़ द मोस्ट एडवांटेजियस थेरेपी, मोस्ट एडवांटेजियस थेरेपी फॉर दिस चाइल्ड। The case is history of physical and sexual abuse. Play, group, family, psychodrama. Play therapy, group therapy, family therapy or psychodrama. What is the most advantageous therapy for this child? Start. Your time starts now. स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है हिस्ट्री है फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ की, और एज क्या है, प्री स्कूल चाइल्ड है। प्री स्कूल चाइल्ड आप समझ गए होंगे, 3 से 5 साल तक हम मानते हैं, और इसके लिए बेस्ट एडवांटेजियस थेरेपी वो पूछ रहा है। देखिए, अब बच्चे को फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है, यानी हमें फीलिंग्स को आउट करना है, बाहर निकलवाना है, हमें फीलिंग्स को बाहर निकलवाना है, एक्सप्रेस आउट करना है। और ये चारों ही तरीके फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करने के हो सकते हैं, प्ले, ग्रुप, फैमिली एंड साइकोड्रामा। बट द ट्रिक इज़, इन चारों में से कोई एक चीज़ ऐसी है जो एज रिलेटेड है, एज रिलेटेड फोकस करें। देखिए, ग्रुप थेरेपी, साइकोड्रामा आर रिलेटेड विद एडोलसेंट्स। ग्रुप थेरेपी, क्या 3 से 5 साल के बच्चे को ग्रुप थेरेपी, साइकोड्रामा या फैमिली थेरेपी भी, समहाउ कहीं ना कहीं फैमिली थेरेपी भी बड़े बच्चों के लिए या एडल्ट्स के लिए होती है। प्ले इज ओनली द एक्टिविटी जिसमें बच्चा फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उस कंडीशन को फेस करना सीख सकता है खेल कूद कर, कि जो भी उसके अंदर अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसको एक्सप्रेस करना, एक्सेप्ट करना या फेस करके, वो प्ले एक्टिविटी इज़ द मोस्ट एडवांटेजियस थेरेपी। बाकी ये तीनों भी आंसर सही हैं, बट ये किससे रिलेटेड हैं, एडोलसेंस और एडल्ट्स, एडोलसेंस एंड एडल्ट्स के लिए ये बेस्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। ए 3-year-old चाइल्ड डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म। विच शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग दिस चाइल्ड, फोकस करें इस सेंटेंस पे, एक बार इधर देख लें पहले। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, एक से ज़्यादा आंसर सही हैं। स्टार्ट करते हैं। इमिटेट अदर्स, सीक्स फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, अवॉइड आई टू आई कॉन्टैक्ट्स, इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, परफॉर्म रिपीटेटिव एक्टिविटीज, डिस्प्ले इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन रेदर देन एडल्ट्स। स्टार्ट कीजिए, सेलेक्ट करते जाइए वो आंसर्स जो आपको सही लग रहे हैं। सेलेक्ट करें
एक एक करके एलिमिनेट करें, जो नहीं है आंसर सबसे पहले उसे हटाएं। मैं अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं, अभी भी अगर आपको आंसर सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए ऑटिज्म का केस है और नर्स क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस बच्चे को असेस करते समय, और उम्र है कितनी इस बच्चे की, 3 ईयर्स। इमिटेट अदर्स देखने को मिलेगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट सीक्स, अवॉइड आई टू आई कॉन्टैक्ट, इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, डिस्प्ले इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन रेदर देन एडल्ट। शुरू करें, लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी कीजिए। एक हिंट देता हूँ मैं आपको, इन सभी में से ओनली, देखिए ये रेड पेन से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये इंक सही नहीं दिख रही इसलिए मैंने रेड की जगह ब्लैक से लिखा है। सेलेक्ट कीजिए। एक और हिंट बताता हूँ मैं, इन सभी में से अमंग ऑल 6 ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉसबी। चेंज करें अपने आंसर्स फाइनली, ओनली 2 इज करेक्ट, द राइट आंसर इज ओनली 2 अमंग ऑल 6। शुरू करते हैं, देखिए ऑटिज्म वाले बच्चे में क्या क्या मिलेगा। इमिटेट अदर्स, इमिटेट, वैसे तो इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना। इमिटेट अदर्स का मौसमी में जो रैशनल दिया है वो ये है कि दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करना, दूसरों को अनुसरण करना, दूसरों के जैसा बनना। अब ऑटिज्म में क्या होता है, इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंट्रैक्शन। ऑटिज्म की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो भी आपको पता है, विड्रॉन इन टू द ओन सेल्फ इन फैंटेसी वर्ल्ड, काल्पनिक संसार में खोए रहना, इसको ऑटिज्म बोलते हैं। अब देखिए ऑटिज्म में क्या होता है, इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है और बच्चा जो है सामाजिक इंट्रैक्शन नहीं ठीक से कर पाता है। तो जब इंट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, सोशल कम्युनिकेशन ही इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो वो दूसरों के जैसा कैसे बनेगा, इमिटेट अदर, दूसरों को कैसे फॉलो करेगा, दूसरों को कैसे कॉपी करेगा। यानी इमिटेट अदर्स का मतलब है यहाँ पर कि दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करना। ऑटिज्म में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है इसलिए इमिटेट वो दूसरों के जैसा नहीं बनता है, जबकि ये बोल रहा है दूसरों के जैसा बनता है, तो ये तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। फिजिकल कॉन्टैक्ट सीक्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, जबकि साफ लिखा हुआ है सोशल इंट्रैक्शन तो वो करता ही नहीं है, तो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स क्यों ढूंढेगा। तो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स इवन सिर्फ प्राइमरी केयर गिवर समझते हैं, माता पिता, केवल माता पिता से ही वो फिजिकली अटैच्ड रहता है, अदरवाइज वो किसी के पास नहीं जाता, किसी से घुलता मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, जबकि यहाँ लिख रहा है कि वो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स ढूंढता है, सीख करता है, तो ये भी आंसर नहीं है। आई टू आई कॉन्टैक्ट अवॉइड, बिल्कुल सही बात है, इंटरेक्शन कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, आई टू आई कॉन्टैक्ट वो नहीं करता है, उन्हें अवॉइड करता है, तो ये हो गया एक आंसर। इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव एक्टिविटी क्या कर सकता है, क्या वो कोऑपरेटिव एक्टिविटी दूसरों के साथ इंगेज हो सकता है उसमें, नहीं, इंगेज वो नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। परफॉर्म रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ में आपने सुना होगा हेड बैंगिंग, स्टीरियोटाइप क्लैपिंग, बच्चा ऑटिज्म में क्लैपिंग करता है, जोर जोर से तालियां बजाता है, बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट दिखाता है, तो बिल्कुल सही है, ये आंसर हो सकता है। डिस्प्ले इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन रेदर देन एडल्ट्स, ये आपको लग रहा होगा आंसर कि हाँ इंटरेस्ट डिस्प्ले करता है केवल चिल्ड्रन में एडल्ट्स की बजाय, एडल्ट्स में तो वो करता ही नहीं है, 3 साल का बच्चा है वो कैसे डिस्प्ले इंटरेस्ट दिखाएगा, एडल्ट्स में तो है ही नहीं, मोर ओवर चिल्ड्रंस में भी वो कोई इंटरेस्ट प्ले एक्टिविटी में नहीं दिखाता है, वो सोशली विड्रॉल रहता है, तो ये भी डिस्प्ले इंटरेस्ट वाला भी क्या हो गया, गलत। तो कौन कौन से 2 आंसर सही हुए, सी एंड ई, यानी एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ऑटिज्म वाला बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है,
और रिपीटेटिव एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करता रहता है, जैसे ताली बजाना, एक ही शब्द को बार बार बोलना, एक ही मूवमेंट बार बार दिखाना, इम्पेयरमेंट कम्युनिकेशन एंड सोशल इंट्रैक्शन की वजह से। स्टार्ट करते हैं 103 क्वेश्चन नंबर। द नर्स यूजेज बिहेवियर मॉडिफिकेशन टू फोस्टर टॉयलेट ट्रेनिंग एफर्ट्स इन ए कॉग्निटिव इम्पेयर्ड चाइल्ड। व्हाट रिवार्ड द नर्स शुड प्रोवाइड टू रीइंफोर्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टॉयलेट बाय द चाइल्ड। क्वेश्चन समझ लें। कैंडी बार, पीस ऑफ फ्रूट, हग विद प्रेज एंड चॉइस ऑफ रिवार्ड। क्वेश्चन समझे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचें, समझें, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। नर्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टू फोस्टर टॉयलेट ट्रेनिंग एफर्ट, ताकि टॉयलेट ट्रेनिंग जो सिखा रहे हैं, जो टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जा रही है बच्चे को, उसको बढ़ाया जा सके, फोस्टर किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, उसको ट्रेंड किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से भी गुजर रहा है, कॉग्निटिव इम्पेयर्ड वो है। अब इस कंडीशन में व्हाट रिवार्ड, क्या ऐसा रिवार्ड, अगर आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन पढ़ा हो तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में सुना होगा, कि ऐसा कौन सा रिवार्ड अब हम बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं टू रीइंफोर्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टॉयलेट बाय द चाइल्ड, टू रीइंफोर्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ टॉयलेट, जिससे कि टॉयलेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जा सके। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे रीइंफोर्स करेगी, उसको एनकरेज करेगी? कैंडी बार, पीस ऑफ फ्रूट, हग विद प्रेज एंड चॉइस ऑफ रिवार्ड। एलिमिनेट करें एक एक करके और आंसर लगाएं। लास्ट 5 सेकंड आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। रीइंफोर्सर, रीइंफोर्सर कौन सा देना है? देखिए, हमें ये समझना होगा पहले कि रीइंफोर्सर क्या होते हैं। दो तरह के रीइंफोर्सर होते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर, और दोनों ही किस में आते हैं? बिहेवियर मॉडिफिकेशन में। एक बार दोबारा, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, प्राथमिक, प्राथमिक मतलब कि हम कोई ऐसी चीज़ बच्चे को दिखाएं या उसे हम दें, हम उसके सामने रखें जिससे वो तुरंत तुरंत अपना बिहेवियर इम्प्रूव कर ले, उसके लालच में या उसके रिवार्ड में या उसकी पॉजिटिविटी की वजह से, क्योंकि बच्चा उसे डायरेक्टली चाहता है, उसे पाना, उसे डायरेक्टली अप्रोच करना चाहता है। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी प्राइमरी रीइंफोर्सर में। सेकेंडरी रीइंफोर्सर एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता। दोबारा बोल रहा हूँ, इट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई थिंग्स हो सकती हैं जिससे बच्चा अप्रोच करना चाहता है रिवार्ड के रूप में। लेकिन सेकेंडरी इन्फोर्सर क्या होते हैं? ये बिहेवियर्स होते हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहीं से। कैंडी बार, ये प्राइमरी रीइंफोर्सर है, सेकेंडरी? प्राइमरी। पीस ऑफ फ्रूट, ये प्राइमरी, तो प्राइमरी इन्फोर्सर है। जबकि हग विद प्रेज, उसे गले लगाना, उसकी तारीफ करना, उसको कडल करना, तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। चॉइस ऑफ रिवार्ड, दैट इज नॉट द राइट आंसर। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा आ रहा हूँ, कि दो तरह के रीइंफोर्सर होते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर मतलब उसमें हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ उसे दिखा रहे हैं और बच्चा उसे अगर अप्रोच करना चाहता है तो तुरंत वो आपकी बात मानेगा, आपको फॉलो करेगा, या वो एक रिवार्ड के रूप में उसे हम दे सकते हैं, जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा उसका। लेकिन जब अगर इससे काम नहीं चल रहा है तो फिर हमें बिहेवियर टेक्निक्स अपनानी होती है जिन्हें सेकेंडरी इन्फोर्सर में रखा जाता है। अब आ जाइए इधर, ये दो सेम हैं तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ हिंट देखिए क्या दी हुई है। हिंट है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट चाइल्ड। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब थॉट या थिंकिंग। उस बच्चे का थॉट प्रोसेस भी क्या है? इम्पेयर्ड है। उस बच्चे का थॉट प्रोसेस या थिंकिंग इम्पेयर्ड है। आप उसे चॉकलेट देंगे, आप उसे फ्रूट पीस देंगे, वो नहीं समझ सकता कि ये उसके लिए यूजफुल है या नहीं है, या ये उसको
अच्छी लगती हैं या नहीं, या इनके क्या यूज़ हैं, तो ये उसे एक पॉजिटिव रिवार्ड के रूप में वो इन्हें नहीं सेलेक्ट कर पाएगा। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे इस वजह से, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट चाइल्ड की वजह से। हम उसे प्राइमरी रीइन्फोर्सर नहीं दे सकते, हम उसे सेकेंडरी रीइन्फोर्सर देंगे। क्योंकि क्योंकि इधर देखें, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद चॉइस नहीं कर सकता कि उसे कौन सा रिवार्ड चाहिए। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। यानी अब दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कॉग्निटिव इम्पेयर्ड होने की वजह से कैंडी बार, पीस ऑफ फ्रूट एंड चॉइस ऑफ रिवार्ड वो खुद सक्षम नहीं है कि वो सेलेक्ट कर पाए कि उसे क्या चाहिए। इसका मतलब हम उसे ए हग विद प्रेज, उसको सेकेंडरी रीइन्फोर्समेंट के रूप में देंगे। क्यों देंगे? एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने की वजह से, थॉट प्रोसेस में गड़बड़ होने की वजह से। अगर यहाँ पर ये वर्ड नहीं होता तो हम प्राइमरी रीइन्फोर्सर से ही काम चल जाता। एक नॉर्मल पर्सन को या नॉर्मल बच्चे को अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तो हम उसे बोलते हैं ना कि अगर आपको टॉयलेट आ रही है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर लू, तो आप हमें बताएंगे, और हफ्ते में अगर 7 दिन बताएंगे तो हम आपको कार राइड पे ले जाएंगे या एक बड़ी चॉकलेट गिफ्ट करेंगे। तो वो प्राइमरी रीइन्फोर्सर से वहाँ काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है बच्चे का, तो यहाँ प्राइमरी रीइन्फोर्सर वो नहीं समझ सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें सेकेंडरी रीइन्फोर्सर से उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना होगा, टॉयलेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना होगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर, द राइट आंसर इज सी। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।